हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल वाघेला और आज हम बात करेंगे हमारे एक्सरसाइज 1.1 की, जिसके कुछ क्वेश्चंस बाकी रहे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 1 है। यहाँ पे देख लेते हैं, हम पढ़ेंगे इज 0 अ रेशनल नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था कि 0 के बारे में, 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, देखेंगे क्या है। कैन यू राइट इन द p/q फॉर्म, उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। Where p and q are integers and q is not equal to 0. यहाँ पर दो कंडीशन दी गई है कि p और q क्या है, इंटीजर, और q is not equal to 0. और उसको क्या हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये है आंसर लिखने का तरीका। यहाँ पे आंसर पहले से लिखा हुआ है कि यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। हमने आगे क्लास में किया था कि अगर 0 को मैं न्यूमरेटर में और कोई भी नंबर होगा उसको डिनोमिनेटर में लूंगा, तो उसका जो आंसर होगा वो 0 अगर लिखूंगा तो 2 0 0, यानी मुझे मेरा ये आंसर मिल रहा है, यानी इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी देखो, यस 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट 0 इज 0/1, 0/2, 0/3। यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस में भी इंटीजर्स हो सकते हैं। वेयर बोथ p एंड q आर इंटीजर्स, यानी 0 भी इंटीजर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर भी जो कि q फॉर्म में है वो भी इंटीजर्स है। एन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू को हमने 0 नहीं लिया, या 1 है या 2 है या 3 है, यानी हमारी तीनों तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसको हम p/q फॉर्म में लिख रहे हैं। यहाँ p एंड q आर इंटीजर्स भी है और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये हमारा आंसर लिखने का तरीका है। फ्रेंड्स, क्विक क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है एक्चुअली में, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे थोड़ा। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। यहाँ पर क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में किसने कितना नंबर, 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अभी रेशनल नंबर यहाँ में फ्रेंड्स जिसको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो देख लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे सपोज मैं 3 लिख दूं और यहाँ पे 4, यानी 3 एंड 4 लिख दिया, उनके बीच में मुझे 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं 3 के थोड़ा आगे आएगा, 3.1 आएगा, 3.2, 3.3, 3.4, आगे आगे 3.8, 3.9 और ये पॉइंट फॉरवर्ड 0, यानी ये हमारे 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर है। यानी ये बहुत सारे हो सकते हैं, इसको और यानी ये बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर 3 × 2, यहाँ पर 4 लिख दूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, आगे 3.09, और ये हमारा फॉर्मूला 0 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा 4 आ गया। तो फिर फ्रेंड्स, इसको और भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स देखें, अगर इसको यहाँ पर 3 लिखूँ तो 3.000, ठीक है, 3.001, 3.002, ये हमारा यही वाला है। ठीक है, फिर 3.003, 3.004, आगे लेके जाएंगे तो ये 3.005, 3.009, और ये हमारा 4 हो जाएगा। यानी ये जो कि 3 के और 4 के बीच के जो भी नंबर है, ये सारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। ये हमने डेसिमल पॉइंट पे लिखा है, किसमें, डेसिमल पॉइंट पे लिखा है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो फ्रेंड्स यहाँ लिख सकते हैं 3 है और ये 4 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 को 3/1 और इसको 4/1। अगर दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 30 / 10, फिर 31 / 10, 32 / 10, आगे हो जाएगा ये 39 / 10, और यहाँ पे 10 से करो तो ये 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 से करो ये 10 हो जाएगा। यानी 39 / 10 और 40 / 10 के बीच में जो भी नंबर हो जाएगा वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ये फ्रैक्शन है, 3/3 फॉर्म में है। इसको और दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर थोड़ा ध्यान से देखिए कि कैसे इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ और यहाँ पे 4, ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, अगर मैं यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 1 होगा, ये नीचे
नीचे भी हंड्रेड से थ्री एम आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे भी हंड्रेड से करूंगा तो ये हंड्रेड नीचे वन है इससे करेंगे तो नीचे भी हंड्रेड हो जाएगा, यानी आगे हो जाएगा थ्री जीरो वन हंड्रेड, थ्री जीरो टू हंड्रेड, थ्री जीरो थ्री हंड्रेड, यहाँ पर क्या लिखा थ्री नाइनटी नाइन हंड्रेड, यानी यहाँ पर हमको इतने सारे बीच में जो नंबर मिल रहे हैं वो सारे के सारे हमारे रेस्टल नंबर है, हमको सिर्फ सिक्स बोला था छह ही बोला था लेकिन हमने यहाँ पर बहुत सारे नंबर फाइंड आउट कर लिए। आप यहाँ पर इंटू थाउजेंड भी कर सकते हैं, यहाँ पर वन इंटू थाउजेंड भी कर सकते हैं और आगे ये नंबर बढ़ते चले जाएंगे, यानी ये हमने फाइंड आउट कर लिए कि सिक्स नंबर कौन कौन से थे। अभी आगे क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर थ्री डिटेल में देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है भैया फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन थ्री बाई फाइव एंड फोर बाई फाइव, यानी थ्री बाई फाइव और फोर बाई फाइव के बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। पहले डेसिमल में देख लीजिए, अगर डेसिमल में कर रहे हैं तो इसको हम डिवाइड कर देंगे पहले थ्री को फाइव, फाइव जीरो जा यानी कुछ नहीं होगा ठीक, तो यहाँ पर दो एंटर देंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, यानी फाइव सिक्स जा थर्टी, यानी हमको हमारा डिविडर जीरो मिल रहा है, यानी हमारा थ्री बाई फाइव का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स। उसी तरह हम फोर को डिवाइड करेंगे फाइव से, फाइव जीरो जार जीरो पॉइंट यहाँ पर जीरो हो जाएगा, फाइव एट जार फोर्टी ये जीरो, यानी ये हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया, यानी फोर बाई फाइव को हम जीरो पॉइंट एट लिख सकते हैं। ओके अभी मुझे जीरो पॉइंट सिक्स और जीरो पॉइंट एट के बीच कितने नंबर चाहिए, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन फाइव, फाइव रेशनल नंबर चाहिए मेरे को, फाइंड द फाइव यहाँ पे मिस हो गया, फाइव रेशनल नंबर बिटवीन यानी पांच चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ जीरो पॉइंट सिक्स वन, जीरो पॉइंट सिक्स टू, जीरो पॉइंट सिक्स थ्री, जीरो पॉइंट सिक्स फोर, यहाँ पर जीरो पॉइंट सिक्स नाइन, जीरो पॉइंट सिक्स सेवन जो भी हो जाएगा फ्रेंड्स आगे तक हम इसको जीरो पॉइंट एट तक लिख सकते हैं, जीरो पॉइंट एट यानी एट जीरो पॉइंट एट जीरो बोल सकते हैं इसको, यानी बहुत सारे हमको ये वाला नंबर जो कि ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल ये रेशनल ये सारे के रेशनल, यहाँ पे जीरो पॉइंट सिक्स फाइव, जीरो पॉइंट सिक्स सेवन, जीरो पॉइंट सिक्स एट, जीरो पॉइंट सिक्स नाइन, ये बहुत सारे हमारे रेशनल नंबर हो गए, ये डेसिमल नंबर यानी हम कह सकते हैं डेसिमल नंबर कर लिया। अभी हमको फ्रैक्शन में करना है तो फ्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स देख लेते हैं, फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। अगर मैंने यहाँ थ्री बाय फाइव लिखा है ठीक है और यहाँ फोर बाय फाइव है, इन दोनों के बीच का मेरे को फाइव रेशनल नंबर चाहिए तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको कैंसिल कर दूंगा, यानी ये क्या हो गया थर्टी बाय थ्री, इसको भी कैंसिल करेंगे, इसको भी कैंसिल करेंगे, ये क्या हो जाएगा फोर्टी बाय फिफ्टी ठीक है। तो इसके बीच में आगे क्या जाएंगे थर्टी वन बाय फिफ्टी, थर्टी टू बाय फिफ्टी, थर्टी थ्री बाई फिफ्टी, थर्टी फोर बाई फिफ्टी, थर्टी फाइव बाई फिफ्टी, ये आगे तक यहाँ पर थर्टी नाइन बाई फिफ्टी, यानी हम पांच इसमें से रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, यानी ये सारे हमारे रेशनल नंबर हो गए। अभी क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे कि वो स्टेटमेंट को थोड़ा ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट करना है कि हमारा स्टेटमेंट सही है या गलत देखना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, फिर हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म हो जाएगी, आगे एक्सरसाइज फिर करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन वन है, स्टेटमेंट वन है, ये ट्रू है कि फॉल्स, ये हमको स्टेट करना है फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन ऑप्शन वन देख लेते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं वन नंबर है, यानी ये हमको फाइंड आउट करना है कि नहीं ये सही है कि नहीं। तो फ्रेंड्स पहले तो हमारे नंबर लाइन देख लेते हैं कि नंबर लाइन में हमारे नेचुरल नंबर कहाँ पे, ये हमारा जीरो, ये हमारा पॉजिटिव सेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, तो ये प्लस इंफिनिटी में जाएगा आगे, यहाँ पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, तो ये हमारा माइनस इंफिनिटी है। तो फ्रेंड्स ये जो है
वन से जहां तक आगे एलोकेट हो जाएगा वो हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। आपको पता ही है कि नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक आगे बढ़ते जाते हैं पॉजिटिव साइड में। अभी हमको अगर वन नंबर लेना है तो वो जीरो से स्टार्ट होगा और आगे तक जाएगा, यानी ये हमारा होल नंबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ये नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर का सबसेट है, क्योंकि ये जो होल नंबर का पार्ट है उसके अंदर ही हमारा नेचुरल नंबर समाया हुआ है। यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। यानी ये वाला स्टेट है हम कह सकते हैं क्या है? ये वाला स्टेट ट्रू है, क्योंकि हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर किसमे समाया हुए हैं, किसके शामिल हुए हुए हैं? इस बड़े वाले टुकड़े में, यानी होल नंबर के टुकड़े में, होल नंबर में समाये हुए हैं। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन टू है, यानी स्टेटमेंट टू है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, यानी जो सारे के सारे इंटीजर है वो होल नंबर है क्या? ये सही है कि गलत? ट्रू है। तो देख लेते पहले, मैंने यहाँ पे हमारी नंबर लाइन ड्रॉ करी हुई है, जीरो है, ये हमारा प्लस वन हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर, ये हमारा जीरो इंटीजर है, ठीक है। तो बोल रहे हैं एवरी इंटीजर सारे के सारे वन टू थ्री या माइनस वन माइनस टू सारे के सारे क्या होल नंबर है? तो नहीं फ्रेंड्स, हमको होल नंबर का सेक्शन तो पता है, जीरो से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव साइड ये इलोमेट होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर माइनस टू है, ये तो इंटीजर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। माइनस थ्री है, ये भी इंटीजर है लेकिन ये भी होल नंबर में इंक्लूड नहीं हुआ है। माइनस वन है, ये भी इंटीजर है लेकिन ये भी हमारे होल नंबर वाले टुकड़े में, जो कि बड़ा टुकड़ा है, उसमें शामिल नहीं है, उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर, यानी ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला स्टेटमेंट हमारा और इसे ये गलत है, ये नहीं हो सकता। फ्रेंड्स विद थर्ड ऑप्शन, थर्ड स्टेटमेंट देख लेते क्या है। फ्रेंड्स थर्ड स्टेटमेंट हमारा है फ्रेंड्स, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अभी यहां पर क्या बोला है? रेशनल नंबर वर्ड को पिक करेंगे फ्रेंड्स, हमारा वर्ड है रेशनल नंबर, यानी जिसको हम p / q फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं 0.1, ये हमारा रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इसको 0 इसको ये p / q फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये रेशनल नंबर है। लेकिन 0.1 जो कि हमारा होल नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो डेसिमल है ना, 0.1 हमारा डेसिमल है, यानी ये इंटीजर नहीं है और ये इंटीजर नहीं है। सो वी कैन कॉल इट 0.1 इज नॉट होल नंबर। 0.1 एक्चुअली में डेसिमल में हमको मिला हुआ है, डेसिमल फ्रैक्शन हमारा डेसिमल डिजिट है, डेसिमल नंबर है, लेकिन 0.1 इंटीजर ही नहीं है तो वो होल नंबर में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। होल नंबर में पता है आपको 0 से लेके प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ये आगे तक लोंगेट होते जाते हैं, यानी ये वाला सेक्शन हमारा इंटीजर ही नहीं है। सो वी कैन नॉट कॉल इट होल नंबर, सो इंक्लूड नहीं होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है, आगे के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।